कोरोना संदिग्ध मरीज ने अस्पताल के टॉयलेट में फांसी लगाकर दी जान, दो दिन पहले ही कराया था भर्ती। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का मामला, काफी देर तक टॉयलेट से बाहर नहीं आया तो स्टाफ ने तोड़ा दरवाजा। मरीज ने रस्सी से फांसी का फंदा लगाया। सवाल ये उठ रहा है कि अस्पताल में रस्सी कहां से आई। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में सोमवार को एक कोरोना संदिग्ध मरीज ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मरीज टॉयलेट में रस्सी से फांसी का फंदा बनाकर उस पर झूल गया। वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वह पिछले दो दिन से अस्पताल में भर्ती था। उस घटना से अस्पताल में भर्ती मरीज परेशान है। जानकारी के अनुसार जेएलएन में बनाए गए कोविड 19 सस्पेक्टेड वार्ड में भर्ती बरेली निवासी एक युवक ने वार्ड के शौचालय में फांसी लगाकर जान दे दी। वह सुबह टॉयलेट गया था, काफी देर तक बाहर नहीं आया तो वहां भर्ती मरीजों ने नर्सिंग स्टाफ को इस बारे में बताया। स्टाफ ने भी आवाज दी लेकिन भीतर से कोई जब आवाज नहीं मिला। इस पर स्टाफ ने मशक्कत के बाद गेट को तोड़ा तो भीतर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। टॉयलेट में मरीज फांसी पर लटका था। अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। दो दिन पहले कराया था भर्ती। तबीयत बिगड़ने पर उसे दो दिन पहले ही भर्ती कराया गया था। उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। कोरोना की रिपोर्ट अभी नहीं आई है लेकिन वह तनाव में था। सुबह ही उसने आत्महत्या कर ली। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अस्पताल में रस्सी कहां से आई। मरीज ने रस्सी में फांसी का फंदा लगाया। सवाल ये उठ रहा है कि अस्पताल में रस्सी कहां से आई। अस्पताल प्रशासन अब जांच करवाने का मानस बना रहा है। अस्पताल के लिए ये चिंता की बात है क्योंकि इस बीमारी से कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान, जयपुर।